नमस्कार, हरियाणा न्यूज देखने वाले सभी दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं ने शहर में किया रोष प्रदर्शन। नौकरियों में भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे छात्र छात्राएं। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के छात्र का सूरजकुंड इलाके के जंगलों में मिला शत विषक्त शव। हाथ पैर बांधकर सिर कुचलकर की गई थी हत्या। मृतक के दोस्त उसके पिता और चाचा पर लगा रहे हत्या के आरोप। कड़ाके की ठंड का हुआ आगाज। 5 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। ठंड के साथ ही कोहरे ने दी दस्तक। खबरें विस्तार से। HCS भर्ती में हुए घोटाले को लेकर फतेहाबाद के स्टूडेंट्स आज सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारी शहर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के नाम DC को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारी कर रहे छात्र छात्राओं का कहना था कि मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि उनकी सरकार में नौकरियां बिना पर्ची और बिना खर्ची के मिल रही है। वहीं भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने आना और इनमें नौकरशाहों का नाम सीधे तौर पर सामने आना ये स्पष्ट करता है कि भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार किस कदर फैला हुआ है। वही उन्होंने कहा कि सरकार को नौकरी भर्ती में पारदर्शिता बरतनी चाहिए ताकि उन बच्चों के साथ अन्याय ना हो जो साल भर तैयारी करते हैं, मगर भ्रष्टाचार का दानव उनकी आशाओं को निगल जाता है। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स ने बर्खास्त किए गए HCS अधिकारी नागर मामले की जांच CBI से करवाने की भी मांग की ताकि इसी प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के नाम भी सामने आ सके। हाँ जी, आज का ये क्या प्रोग्राम है जी आपका? जो हमारा ये प्रोग्राम है जी, हरियाणा सरकार में जो पीछे जो नागर प्रकरण हुआ है और जितना भी रॉबिन नाम का जो कैंडिडेट है, जो हरियाणा सॉरी दिल्ली पुलिस का एक सिपाही है, उसने बहुत से पेपरों सैकड़ों पेपर्स आउट करवाए हैं और इन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का इतना लॉस किया है जितना हम आपको बता नहीं सकते। और इन सब के लिए आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री महोदय के नाम और हम यहाँ पे फतेहाबाद में DC साहब को ये ज्ञापन सौंपेंगे ताकि हमारी जो आवाज़ है ये हमारी आवाज़ उन तक पहुँच सके और उसके ऊपर वो विचार करें और बहुत ही अच्छा सोल्यूशन निकालें ताकि उनकी जो बिना पर्ची बिना खर्ची वाली जो टैगलाइन है वो बहुत ही अच्छी चल पाए। वरना कहने से बिना पर्ची बिना खर्ची से काम नहीं चलता। जो नागर प्रकरण है इसके लिए देखा जाए तो पीछे 10-15 दिन से कोई भी सुनवाई या कोई भी कार्य नहीं हो पाया है। तो इसके लिए हमने आज ये सभी स्टूडेंट से बातचीत की और स्टूडेंट ने कहा कि हम एक ज्ञापन सौंपना चाहते हैं जिससे हमारी जो बात है वो दबी की दबी ना रह जाए और इन सब के सामने उसकी सुनवाई की जाए और उन सब की हमारी जो भी सोल्यूशन निकलता है। जिस स्टूडेंट हमारे 6-6 महीने 1-1 साल 1.5-1.5 साल से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो इस प्रकार से कैसे इनके सिलेक्शन हो पाएंगे अच्छे ढंग से? क्या लगता है फिर आपको, जो सरकार इनको सिलेक्शन दे रही है या फिर सरकार सिलेक्शन दे रही है बिना खर्ची बिना पर्ची दे रही है, लेकिन फिर भी ये नागर प्रकरण जैसी चीजें कैसे निकल के आ रही हैं? तो हम सरकार की किसी मंशा के ऊपर कोई हमारी उंगली उठाने का काम नहीं है, लेकिन हम इस चीज का सोल्यूशन चाहते हैं कि ये हुआ है तो क्यों हुआ है, अगर ये हुआ है तो इसकी कुछ CBI जांच की जाए। ठीक है, अभी आप जो ज्ञापन देने जा रहे हो ये किसको दोगे ज्ञापन और ज्ञापन में क्या आपकी जो है मांग? हमारी मांग यही है जी, नागर प्रकरण की CBI जांच हो और जो रॉबिन ने जितने भी पेपर में घपलेबाजी करवाई है और जितने पेपर आउट करवाए हैं सोल्वर से सोल्व करा करें उन सब की दोबारा से भर्ती की जाए। क्या और ये हम DC महोदय के नाम ये ज्ञापन सौंपेंगे और उनके द्वारा मुख्यमंत्री महोदय को जाएगा। क्या नाम और क्या पता अपना? हम ICS कोचिंग सेंटर से जितने हमारे छात्र स्टूडेंट्स हैं उन सब के द्वारा हम ये ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स। दिसंबर महीना आधा बीत जाने के बाद अब ठंड ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों सूर्य देवता आंख मिचोली कर रहे हैं। बढ़ती ठंड के कारण एक और जहां शहरों में जनजीवन ठहर सा गया है, आज रतिया का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम जानकारों की माने तो आने वाले 5 दिनों तक कड़ाके की ठंड और गहन कोहरा छाए जाने रहने की पूरी संभावना है। आज अचानक छाए कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन धीमी गति में चलते नजर आए। मौसम के जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में पारा भी जम सकता है। वहीं ठंड और कोहरार खेतों में खड़ी फसलों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। वहीं स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चों के साथ साथ नौकरी पेशा वाले लोगों के लिए ठंड और कोहरा किसी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रहा है। किसानों ने कोहरे को फसलों के लिए प्राकृतिक वरदान माना है। किसानों ने बताया है कि ठंड और कोहरा जितना अधिक होगा गेहूं की फसल को उतना ही लाभ मिलेगा। वहीं बढ़ती ठंड के कारण न्यूनतम तापमान गिरकर 6 डिग्री जा पहुंचा है और अधिकतम तापमान भी 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है।
कपा देने वाली ठंड और कोहरे के कारण सबसे अधिक प्रभावित स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चे हो रहे हैं। कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बीच स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं घने कोहरे के कारण हमेशा सांस हलक में अटकी रहती है। जहां किसान टोल से उठकर अपने घर तो चले गए, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक साल से टोल फ्री होना टोल के लिए एक सबब बन गया है। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर चार गांव के लोग इकट्ठा हुए और टोल फ्री करने की मांग करने लगे, जिसके चलते हल्का फुल्का हंगामा भी हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा इसे काबू कर लिया गया। वहीं पर टोल मैनेजर ने कहा कि उनका अभी नया ठेका है, ये लोग अपना टोल फ्री करवाना चाहते हैं। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि वे पहले भी टोल नहीं दे रहे थे और अब भी टोल नहीं देंगे, क्योंकि इनकी खेती टोल के आसपास ही है। बता दें कि एक साल से भी ज्यादा टोल पर किसानों के धरने प्रदर्शन के चलते टोल फ्री हो गए थे, किसान अपने घर चले गए, लेकिन यमुनानगर के टोल प्लाजा पर आज उस वक्त टोल के आसपास के चार गांव के लोगों ने इकट्ठा होकर हंगामा करने की कोशिश की और कहा कि वे पहले भी टोल नहीं दे रहे थे और अब भी टोल नहीं देंगे। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर हंगामा होने से पहले ही हालात पर काबू पा लिया और कहा कि ये लोग अपना टोल फ्री करवाना चाहते हैं, जिसको लेकर मैनेजर से बात की गई तो वहीं पर टोल मैनेजर ने कहा कि 3 किलोमीटर के दायरे में जो भी गांव आते हैं वे अपना आधार कार्ड और गाड़ी की आरसी हमें जमा करवा दें, उनका टोल फ्री कर दिया जाएगा। कैथल जिले के चीका में पटियाला रोड पर बने हनुमान अखाड़ा के पहलवानों ने सड़कों पर उतरकर सरकार व गोला विधायक के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कुछ समय पहले कैथल प्रशासन द्वारा गोला विधानसभा क्षेत्र में ट्रक यूनियन पर कब्जा लिया गया था। इस दौरान प्रशासन के द्वारा उक्त जगह पर बस अड्डा बनाने की बात कही जा रही थी। वहीं उक्त जगह पर लगभग 25 सालों से श्री हनुमान अखाड़ा के नाम से अखाड़ा चल रहा था, जिसमें हरियाणा व आसपास के क्षेत्रों से पहलवान अखाड़े में पहलवानी करने के लिए हनुमान अखाड़ा में आते थे, लेकिन गत दिनों प्रशासन द्वारा उक्त अखाड़े के आसपास बनी जगह को तहस नहस कर दिया गया, जिसमें पहलवानों के सामान रखने का कमरा भी मौजूद था। इसी कमरे में सरकार द्वारा एक जिम मुहैया करवाई गई थी, जिसके सहारे से पहलवान खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर हरियाणा में क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे थे। उक्त मामले पर पहलवान काकू से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा हनुमान अखाड़े को जो लगभग 25 सालों से चल रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें बिना नोटिस जारी करते हुए उनके अखाड़े के आसपास की जगह को तहस नहस कर दिया गया है। यहां तक कि वहां पर लगी भगवान बजरंग बली की मूर्ति को खंडित करने की कोशिश भी की गई थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा उनकी मांग को जल्द नहीं माना गया और पहलवानों की पहलवानी के लिए अखाड़ा व जगह नहीं उपलब्ध करवाई गई तो वे लंगोट पहनकर सड़कों पर उतरेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा के छात्र का आज सूरजकुंड इलाके के जंगलों में शतविक्षिप्त शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि 14 वर्षीय छात्र बीते 13 तारीख से एक नंबर मार्केट से लापता था। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद से अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। आज सरस्वती पब्लिक स्कूल जगाधरी में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवर पाल ने दीप प्रज्वलन करके पश्चात डॉक्टर उमेश प्रताप वत्स की कहानी संग्रह उम्र की सांझ पर तथा बलदेव राज भारती के काव्य संग्रह अधूरी कविता का प्रमुख साहित्यकारों की उपस्थिति में अनावरण किया। पुस्तक विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित शिक्षा मंत्री ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि साहित्यकार समाज की आवाज होते हैं। साहित्यकार अपनी कलम से समाज को एक नई दिशा देने में सक्षम होते हैं। उन्होंने दोनों साहित्यकारों को उनकी रचना के लिए शुभकामनाएं भी दी। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में सतपाल कौशिक जिला शिक्षा अधिकारी एवं सेवाराम ने संबोधित करते हुए दोनों साहित्यकारों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भविष्य में राष्ट्रहित व बच्चों को केंद्रित करने के लिए लिखा जाना चाहिए। रंजीत गार्डन क्षेत्र वासियों व भक्तों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रानी लक्ष्मीबाई भारत पर स्कूल के सामने ससौली रोड पर किया जा रहा है। पंडित श्याम सुंदर बन्ना ने बताया कि 12 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलश यात्रा निकाली गई, राधा कृष्ण जी के भजन गाए हुए। अब प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक परम पूज्य श्री ब्रजभूषण जी महाराज वृंदावन के द्वारा भागवत कथा का गुणगान किया जाता है। पंडित श्याम सुंदर बत्ता ने बताया कि आज भागवत कथा का 5वां दिन है, ये 19 दिसंबर तक चलेगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग पंचकुला की ओर से आयोजित एडवेंचर कैंप टिकर ताल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के 11 जिलों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम अधिकारी राम कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय एडवेंचर 3 जगह लगे हुए हैं, टिकर ताल, मोरनी तथा मल्हा में इनके कैंप का आयोजन किया जा रहा है। चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ों से गिरी तथा प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर शानदार टिकर ताल झील के किनारे लगे कैंप में जिले के प्रतिभाशाली 550 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। संस्कृत या कार्यक्रम के अलावा बच्चों को पैरासेलिंग, नौका विहार, ट्रेकिंग, एडवेंचर गतिविधियां करवाई जा रही हैं, ताकि बच्चों को मनोरंजन के साथ साथ वे सभी कुछ सीख सकें। रादौर के गांव कांजनू में बनाए जाने वाले बुच्चड़ खाने के विरोध में वीरवार को रादौर की शहीद उधम सिंह कंपोज धर्मशाला में एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सैकड़ों ग्रामीणों सहित धार्मिक, सामाजिक, किसान यूनियन व कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी भाग लिया। महापंचायत के बाद मांगों संबंधी ज्ञापन सौंपते जाते एसडीएम कार्यालय के गेट पर पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की भी हो गई, जिसके बाद भी प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश में गिर रहे तापमान तथा बढ़ रही सर्दी, धुंध तथा कोहरे के कारण खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों को काफी नुकसान हो रहा है। उसको बचाने के लिए दतिया की सब्जी उत्पादक किसानों ने नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उन्होंने अपने खेतों में तैयार हो रही बेमौसमी सब्जियों पर पॉलीथीन की चादर डालकर सब्जियों को बचाने में कामयाबी हासिल की है। इस बारे में किसानों ने बताया कि अपने खेतों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर आदि सब्जियां बीज रखी हैं, लेकिन ठंड के कारण वे गलने तथा सड़ने लगी थी। खराब होती फसलों को देखकर उन्होंने अपने अपने खेतों में इन तैयार हो रही सब्जियों पर पॉलीथीन की चादर डालकर उन्हें ढक दिया है, जिससे उनकी सब्जियों पर ठंड का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। मौसम विभाग द्वारा आगामी दिनों बूंदाबांदी तथा ठंड पड़ने की संभावना के अंतर्गत इस तरीके को अपनाना बेहद जरूरी हो गया था। उनकी सब्जियां ठकने के बाद ऊपर से बहुत ही बढ़िया लग रही हैं तथा करीब एक महीने के अंदर अंदर बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया जाएगा। फिलहाल हरियाणा न्यूज में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।